जय हिंद साथियों, आपके लिए आ चुकी है खुशखबरी। और जब मैं बात कर रहा हूँ खुशखबरी की, तो आपके चेहरे खिलखिलाने चाहिए। प्यारे साथियों, अब अग्निवीर अग्निवीर नहीं रहा, क्योंकि भारतीय सेना ने इसमें सिफारिशें भेजी हैं। और सिफारिश में सबसे पहले बात भेजी है कि 25% की जगह पर 70% होने चाहिए। अब दोस्तों, 100 में से 70 फौजी अगर फौज में रुकते हैं तो 30 तो वापस भी आने चाहिए। इस बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि पता है आपको, जो 30% वो लोग होते हैं जो फौज का काम कम करते हैं और बिल्कुल नशेड़ी बन जाते हैं, गंजेड़ी बन जाते हैं, तो उनको तो वापस भी आना चाहिए। तो 70% अगर भारतीय सेना ने सिफारिश दी है तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, भारतीय सेना की सिफारिश है कि ये 4 साल नहीं, कम से कम 7 से 8 साल होना चाहिए, तो ये भी अच्छी बात है। तो जो 30% दोस्त थे मेरे, जो बाहर आने वाले थे, वो भी 7-8 साल फौज की जिंदगी को जी लेंगे, तो ये अच्छी खुशखबरी है। बाकी आपको बताइए कि BSF हो, CRPF हो, ITBP हो, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस में, स्टेट पुलिस में और दिल्ली पुलिस में आपको 10-10% आरक्षण दिया गया है, तो ये भी खुशखबरी है। अब बात आती है कि खुशखबरी मिलेगी कैसे, क्योंकि पिछली बार तो पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार थी, अब की बार NDA की है, तो हमारे नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू जी, जो दोनों है, तो वैशाखी मोदी जी की आ चुकी है। अब उन्होंने कहा भैया इसमें रिव्यू करने का टाइम आ चुका है, यानी इसमें बदलाव करने का समय आ चुका है। अगर वो बदलाव नहीं करते हैं या उनकी बात नहीं आते मानते हैं, तो समझ लो सरकार खतरे में पड़ सकती है। तो ये अग्निवीरों के लिए अच्छा, वो जो पड़ोसी थे बड़े मजाक उड़ाते थे, जा 4 साल के लिए चला जा, रिश्ते आने बंद हो गए थे, पूछते थे अच्छा परमानेंट वाला है अग्निवीर वाला है, अग्निवीर मजाक बन चुका था, है ना समाज में। ये जून 2022 के बाद में जो हमारे फौजियों की, यानी अग्निवीरों को अपमानित किया गया, अब ये सम्मानित होने का समय है। तो प्यारे साथियों, उन पड़ोसियों को नींद बिल्कुल नहीं आ गई, वो सोच रहे थे अच्छा 1 साल तो होगी, 3 साल बाद में आ जाएगा आपका लड़का घर पे, अब नहीं आएगा वो, अब 70% में आएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अपनी फिजिकल फिटनेस अच्छी रखना, मेंटल फिटनेस अच्छी रखना, और बेवड़ा तो बिल्कुल मत बनना, फौज की सारी बातें मानना समय पे, बिल्कुल जो छुट्टी के बाद में, जो छुट्टी काटने के बाद में आपको रिपोर्टिंग डेट दी जाती है, उसमें आपको पक्का पहुंचना है। तो प्यारे साथियों, जो भी मुझे खुशखबरी मिलेगी, मैं ऐसे ही हंसते हंसते खिलखिलाते हुए आपको खुशखबरी देता रहूंगा। बस अब जो सेना भर्ती चल रही है, या फिजिकल की जो है जुलाई से शुरू होने वाले फर्स्ट वीक से, उसमें आप दिल से जान लगा दो। अगर आपने जान लगा दी तो समझ लो आपको अपनी जान मिल गई, जो जान आपसे बाहर दूर जा रही थी कि भैया 4 साल में आपके पास मैं नहीं आऊंगी, अब उसको बता दो मैं भी परमानेंट होने वाला हूं। जी हाँ, ये खुशखबरी आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।